ज्वालामुखी के युवक को गुंबर में ईंटों से मारा, किया लहूलुहान, मामला दर्ज। ज्वालामुखी थाना के अंतर्गत ज्वालामुखी के युवक दीपक कुमार पुत्र प्रमित माता प्रसाद निवासी वार्ड नंबर 3 पर गुम्बर के युवकों ने ईंटों से मारकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दीपक कुमार को सिर व मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक दीपक शर्मा अपने दोस्त कुलदीप सूद के साथ गुम्बर में एक दुकान पर बैठा था। वहां पर कुछ युवक आ गए, जिन्होंने बेवजह दीपक कुमार पर ईंटों से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं दीपक कुमार को गंभीर अवस्था में ज्वालामुखी सिविल अस्पताल लाया गया, वहां पर उसका उपचार कराया गया। दीपक कुमार के सिर पर गहरी चोट आई है और 4 टांके भी लगे हैं, वहीं मुंह पर भी 6 टांके लगे हैं। डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज ने मामला दर्ज करने की पुष्टि की है। मैं गुम्बर में गया था, मैं अपनी दुकान में बैठा था, कुछ 2-3 लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया बेंच से बाहर फेंक दिया, कि पीछे 5-7 और खड़े थे, उन्होंने भी ईंटे वगैरह पत्थरों के बोतलों से मुझे ग्लास से मुझे बाहर कर दिया। कहने मैं नीचे गिर पड़ा, मुझे पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहने मुझे देखो यहाँ टांके लगे हुए हैं, इस सिर के ऊपर भी टांके लगे हुए हैं, मुझे तो 4-5 टांके लगे हैं, 5 टांके लगे हैं, फिर सिर में आधे सिर में दर्द हो रही है। कहने होंठ मेरे फटे हुए हैं, ये होंठ फटे हैं, ये हुआ जी मेरे साथ। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप कहते हैं उनको मतलब सजा मिलनी चाहिए। मैंने कुछ बोला नहीं, उससे बात नहीं, कुछ नहीं, मैं बैठा था, उन्हें बाहर क्यों फेंका, मुझे उन्हें उठा कर। ज्वाला जी में उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं DSP के पास भी गया था, उन्होंने सब कुछ होगा बोल लिया, अभी 9 दिन कुछ नहीं हो रहा है।